मिथिला स्टूडेंट यूनियन ट्राई सिटी की अहम बैठक चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 शिव मानस मंदिर में हुई। इस मौके पर मिथिलांचल मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज व राष्ट्रीय सचिव अजीत वत्स चंडीगढ़ पहुंचे। यह मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। MSU और मिथिलांचल विकास सभा की संयुक्त बैठक में चंडीगढ़ के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज जी, जो कि बिहार में बेहतर कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, चंडीगढ़ में आए हैं। अविनाश भारद्वाज जी से बात करना चाहेंगे, क्या क्या उनके मुद्दे हैं जी? देखिए, मैं मिथिला स्टूडेंट का अध्यक्ष हूँ और अभी चंडीगढ़ में आया हूँ जी। चंडीगढ़ में आज हमारा मीटिंग था, उस मीटिंग का मकसद ये था कि मिथिला क्षेत्र में जो व्याप्त कुपोषण है, गरीबी है, अशिक्षा है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो हमने यहाँ पे आके चंडीगढ़ के लोगों से अपील किया है, जो भी लोग हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो यहाँ पे आज अच्छे जगह पे पहुँचे हुए हैं, संपन्न जगह पे पहुँचे हुए हैं, जिनके पास तरह तरह का स्किल है, हमने उनसे यहाँ पर आकर अपील किया है कि अब वो समय आ गया है जब आप पीछे अपने गाँव के तरफ देखिए, अपने समाज के तरफ देखिए, और ये जो गुंगी बहरी सरकार हो गई है उसको जगाने का काम अब हमें करना है। चाहे वो हिंदुस्तान के सत्ता पे बैठी हुई सरकार हो, चाहे वो मगध के सत्ता पे बैठी हुई सरकार हो, पिछले 70 सालों के दरमियान आज़ादी के बाद हमारे साथ जो छल किया गया है, हमें जानबूझ के गरीब बनाया गया है, ताकि ट्रेन में भर भर के आके हम लोग मजदूरी करें, बड़े बड़े शहरों को बसाएँ, जानबूझ के हमें विपन्न बनाया गया है। हमारी तमाम जो इंडस्ट्री है, हमारा तमाम जो फैक्ट्री है, उसको बंद किया गया है। तो इस सरकार से हम आज प्रश्न करने के इस बेला पे खड़े हैं, और आने वाले भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में हजारों नहीं लाखों के संख्या में मैथिल नौजवान आएगा और पूछेगा कि हमारा जो बंद पड़ा हुआ मील है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारा जो बंद पड़ा हुआ तमाम उद्योग धंधा है उसके बारे में क्या ख्याल है, हमारे युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, हमारे खेतों में पानी नहीं है, जबकि हर साल बाढ़ से हम डूब जाते हैं, खेतों में सूखा पड़ा हुआ रहता है, धान गेहूं के फसल से एक पैसा की आमदनी नहीं होती है। तो ये जो घर घर में जो भूखमरी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, आप अगर मिथिला क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अफ्रीका से ज़्यादा गरीब इलाका, गरीब आपको छोटा छोटा जो पट्टी है वो आपको मिलता है। आप अगर जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार कच्ची झोपड़ियाँ आपको मिलती है। तो आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा क्या हो गया हमारे सिस्टम, हमारे व्यवस्था के साथ, जो हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है? तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम यहाँ के लोगों से, ट्राई सिटी के लोगों से, चंडीगढ़ के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब हम इस सरकार को पूछे प्रश्न और अपने इलाके के विकास की बात करें। यहाँ पे राष्ट्रीय सचिव अजीत वत्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? आज से 6 महीना पहले मैंने इस टीम का समझ फिर से गठन किया था। उसका हुआ क्या कि यहाँ पे आने के बाद टीम का प्रॉपर रूप से सुचारू ढंग से चालू करना, और जहाँ तक MSU की बात है तो यहाँ पर मीटिंग का उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना और आगे आंदोलन के लिए उत्साहित करना। जो यहाँ पर चंडीगढ़ ट्राई सिटी में प्रभारी हैं पंकज झा, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहना है पंकज जी, क्या कहना? सबसे पहले तो ट्राई सिटी में रहने वाले समस्त मिथिला वाले जी को जय मिथिला। यहाँ पे आज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ था, जिसमें अभिभावकों के साथ मुख्य रूप से उनका बैठक करवाया गया था। बैठक का मुख्य उद्देश्य मिथिला मैथिली के प्रति लोगों को जागरूक करना था, उस विकास के जो पीछे रह चुका है मिथिलांचल क्षेत्र, उसके प्रति लोगों को जगाना था, ताकि बैक से हमें सपोर्ट कर सके, अगर नहीं जमीन पे तो यहाँ से हमारे आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। आप संस्था के अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज जी आए और अजीत वत्स जी आए, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके आने से हमारे यहाँ पे ट्राई सिटी में जितने भी मिथिला प्रेमी हैं, जितने भी मिथिला प्रेमी सेनानी हैं, उन सब में एक नया उत्साह दौड़ गया है जी। एक नए उत्साह के साथ काम करने की उनकी सबकी तमन्ना जाग उठी है, और आज यहाँ पे तमाम गार्जियंस जो हमारे हैं, पेरेंट्स हैं जो हमारे मिथिला प्रेमी, यहाँ पे उनके साथ हमारी बात हुई है, जो मिथिलांचल के अंदर बंद पड़े हुए जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको चालू करवाने के लिए जो हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं आवाज़ उठाने के लिए, उस आवाज़ उठाने में वो हम लोगों का पूरा साथ दें, जगह जगह पर समय समय पर समर्थन करें, उसी आशा के साथ हम लोग यहाँ पे आज की मीटिंग यहाँ पे कर रहे थे, और वो बहुत सफलतापूर्वक
खत्म करा गया। एमएसयू और मिथिलांचल विकास सभा की संयुक्त बैठक में चंडीगढ़ के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई।